हेलो दोस्तों, जय हिंद डॉगीज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ रियल पॉकेट साइज़ अमेरिकन बुली के पपीज़। दोस्तों ये आपको मदर और पपी ज़रूर दिखा रहा हूँ मैं, और बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप किसी से भी लो, किसी स्टेट में हो, चाहे आप नॉर्थ में हो, चाहे साउथ में, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, कहीं पर भी हो, दुनिया के इंडिया के किसी भी कोने में हो, अगर आप पपी ले रहे हो तो आज के डेट में अमेरिकन बुली केस में स्पेशल मदर को देख के ज़रूर लीजिए, क्योंकि लोग पैसे के पीछे इतने गिर चुके हैं कि मतलब यू नो फादर माइक्रो दिखाकर और पपीज़ को जो माइक्रो बोल के बेचे जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये फीमेल पॉकेट है, अगर इसकी मीटिंग मैं माइक्रो से करवाता हूँ तो नो डाउट बच्चे का जो फेस वगैरह थोड़ा सा हेवी आता है, उस केस में मैं क्या करूँगा, इनको इस बच्चों को मैं माँ पॉकेट है, फादर मीटिंग कराई किससे, माइक्रो से। फिर बच्चों को मैं क्या बोलूँगा कि बच्चे माइक्रो है, और माइक्रो को रेट बोल के आपसे 50-60 हज़ार रुपये आराम से ले सकता हूँ। और लोग यही कर रहे हैं, जो आराम से 50-60 हज़ार रुपये पॉकेट से लोगों के निकाल रहे हैं, जबकि दोस्तों ये पॉकेट साइज़ पपी है, इसका 20-25 हज़ार के बीच में आराम से आ जाता है। तो जहां आपको इन ये जो पपी सेल होने वाले थे 20-25 हज़ार, यहीं पे अगर पॉकेट की मीटिंग मैं कराता हूं माइक्रो से तो आराम से 50-60 हज़ार, मतलब ऑन एन एवरेज हर बच्चे 20-30 हज़ार रुपये बढ़ चुके हैं। तो इस प्रॉफिट कमाने के लिए कई मतलब करप्टेड ब्रीडर और ब्रोकर और यूट्यूबर लगे पड़े हैं। अगर आप किन्हीं से भी यूट्यूबर से ले रहे हो, ब्रोकर से ले रहे हो, किसी भी ले, तो आप मदर चेक करके लो, फादर मत जाओ। फादर जाए से बात है, अभी मदर ये है, मैं फादर दिखा दूँ, कोई माइक्रो दिखा दूँगा और बोलूँगा पप्पी माइक्रो और बोल के बच्चे दे दूँगा, तो इसमें दोस्तों बेवकूफ़ आप है। बेवकूफ़ क्यों, बेवकूफ़ बनाने वाले बेवकूफ़ बना, आपको बेवकूफ़ नहीं बनना, बोलो भाई मदर दे चेक कराओ, आपके फादर जो भी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मदर पॉकेट है और अपना आप चाहे फादर पॉकेट माइक्रो, कोई भी हमें कोई मतलब नहीं है। तो आप फादर छोड़ो, आप मदर को चेक करके आपको पप्पी लेना है, कि पहले बोलो दोनों चेक पर, आप अब एक ही जगह मदर चेक करो। अब मदर है, अगर फीमेल है तो वो मदर पे जाएगी, और अगर मेल है तो वो मदर से 1-2 इंच ऊपर ही जाएगा, मतलब क्वालिटी वाइज थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा, ठीक है जी। और अभी ये बच्चा है, इसको अगर मैं माइक्रो बोलूँ, माइक्रो बोल के 50 हज़ार बोलूँ, आराम से आप लोग दे दोगे, क्यों, आप लोग फेथ और भरोसा करते हो। और कई यूट्यूबर इसके नजायज़ फ़ायदे उठा रहे हैं, पॉकेट साइज़ को माइक्रो बोल के बेच रहे हैं। सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, आपका पैसा है सोच समझ कर लगाओ, ठीक है जी। अगर कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है तो बेवकूफ़ नहीं बनना है, अपना दिमाग आपको लगाना है, भगवान ने आपको दिमाग दे रखा है, ठीक है जी। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, और कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम केस में अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो किसी यूट्यूबर से, या आप कहीं के ब्रीडर से ले रहे हो, तो ट्राई कीजिएगा आप वहाँ पर जाकर मदर को चेक करके लीजिएगा। दोस्तों अच्छे बुरे ब्रोकर का भी बताया था आपको मैंने, अगर आप मीडियोकर के थ्रू भी ले रहे हो कोई बात नहीं भाई, अपने कमीशन सेट करो और वहाँ जाके अपना मदर चेक करो, और मदर चेक करके फिर लेके आओ। एटलीस्ट अगर जिसकी मदर सुंदर होगा, नो डाउट बच्चे है, उतना ही बच्चों में दम होगा। अगर मदर सुंदर नहीं है, कई केसेस में क्या हुआ दोस्तों, पुअर ब्रीडिंग का नतीजे क्या होता है, या पप्पी मिलर क्या करते हैं, वो लो क्वालिटी, मतलब एक लो क्वालिटी तो उसे होता ही कैसे यार, जब एक अमेरिकन बुली आप लेके जा रहे हो, उसको सूखी रोटी पे रखे हो, कहाँ से मसल्स गेन होगा, कहाँ से बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा, कहाँ से उसका ग्रोथ आएगा, वीक और कमजोर तो होगी होगी ना। और वहीं दूसरा ब्रीडर उसको चाहे आरसी डाला, स्मार्ट डाला, अंडे डाला, चिकन डाला, अब उन दोनों फीमेल में कितना फर्क रहेगा, तो कल प्रोड्यूसिंग किसकी अच्छी होगी, जो अच्छी घर पे अच्छी ब्रीडर की जितनी पली हुई है, वहीं दूसरा ब्रीडर जो सूखी रोटी दे के और ऐसे फेंक के रखा है, उसके पास क्या निकलेगा। जैसे बात वो आपको 5-10 हज़ार बच्चे सस्ते भी देगा, और क्वालिटी का क्वालिटी भी जैसे बात वो भी वैसे नहीं, हड्डी पलवा निकालेगा। तो दोस्तों फैसला आपको करना है, और मैक्सिमम देखा है मैंने सस्ते के चक्कर में लोग पकड़े जाते हैं। एक बंदा कह रहा था भैया अमेरिकन बुली लेना मुझे 15 हज़ार में, मैंने कहा भाई प्योर 15 में नहीं मिल पाएगा, पिटबुल बुली मिक्स मिलेगा। कह रहा लो क्या बात करते हो, मुझे मिल रहा है। तो बंदे ने क्या किया, फोटो बिल्कुल मस्त दिखाया, एंड मस्त आजकल सबके पास 4K ये पोर्ट्रेट शॉर्ट्रेट पता नहीं कौन कौन सा मोड है, मस्त फोटो वीडियो खींच के दिया उसको। और जब बच्चा उसको लाइव पहुंचा तो पहुंचा मतलब वो अजीब सा, तो उसने मुझे भेजा, भैया देखो क्या है, मैंने कहा जी ये पिटबुल है। तो क्या, तो भैया मेरा धोखा हो गया, आप एक्शन लो। मैं क्यों एक्शन लूँ भाई, जब आपको मैंने बोला भाई आप 15 में नहीं मिलेगा, फिर भी आप जा रहे हो सस्ते के चक्कर में, ले लो, लेके घूमते रहो अमेरिकन बुली भाई। तो ये सब चीज़ें मतलब इसमें गलती किसकी थी भाई, जैसे बात है वो उसके उस सस्ते के चक्कर में, और सस्ते के चक्कर में मतलब फंसे हुए दोस्तों, सस्ते के चक्कर में अच्छी चीज़ नहीं मिल पाता, ये एक फैक्ट भी है। अगर कोई सस्ता दे रहा है, अगर मैं जैसे बात है मेरा लॉन्ग कोट 35 हज़ार जा रहा है, अगर उसकी जगह अगर मैं 12 हज़ार दे रहा हूँ, तो देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम 202% रही होगी। आज के में कोई पेप प्रूफ नहीं, अगर 35 हज़ार का बच्चा बिक रहा है तो आपको 10-12-15 में देगा, अगर दे रहा है तो कुछ ना कुछ ज़रूर उसके पीछे लॉजिक होगा। और अभी दोस्तों मैं कई सोशल मीडिया में लड़ाई वगैरह देख रहा था मैं, नॉर्थ वाले साउथ वाले, बड़े डॉग छोटे डॉग, तो दोस्तों इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि भाई मैक्सिमम साउथ के लोग, कई लोग मंगवाते हैं, मेरे पास फ़ोन आता है, मेरे पास खुद पर्सनली फ़ोन है कि भैया मुझे ब्रीडिंग स्टार्ट करना है और मुझे एडल्ट डॉग लेना है या फीमेल लेना है,
तो मैं उनको शुद्ध हिंदी भाषा में समझाता हूँ कि मेरे भाई ध्यान से सुनो, क्या कभी कोई इंसान दूध देने वाली गाय को बेचता है या काटता है या मारता चोट चोट पहुँचाता है? कि दूध तो कहावत क्या है कि दूध देने वाली गाय को कभी लोग नहीं बेचते जब तक वो लात ना मारे, जो लात मारेगी तो ही वो बेचते हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर किसी के पास सुंदर अच्छा स्टड है जिसका रिजल्ट होगा तो वो कोई नहीं बेचेगा, अगर जब तक उसको मजबूरी वगैरह ना आए। 10 में से 9 केस में कोई बेचेगा ही नहीं। फीमेल, अगर फीमेल हर बार हर फर्स्ट ये सेकंड हीट कोई भी हीट पर वो प्रॉपर लीटर दे रही है, प्रॉपर बच्चे दे रही है, तो वो भी कोई नहीं बेचेगा अगर उसमें प्रॉब्लम ना आए। तो मैं हमेशा मना करता हूँ कि कभी भी बड़े डॉग्स पे मत जाओ भाई। मैं लोग मुझे कहते दिला दो, मैं कहता भाई मत लो, फंस जाओ। क्यों? कहता भैया हम मैंने एक फीमेल देखा उसके निपल्स वगैरह बाहर थे, इसका मतलब उसे बच्चे देखे हटी है। तो मैंने क्या बोला, मेरे भाई कोई आपकी बात बिल्कुल जायज है, कई बार फीमेल के दूध में इन्फेक्शन आ जाता है, बच्चे दूध पीते और बच्चे मर जाते हैं। बेसिक इसका आगे इसका फर्दर ट्रीटमेंट की लास्ट है, बट ऐसे ऐसे केस में क्या करोगे? कई बार कई फीमेल ऐसी हो जाती है कि वो अपना बच्चे देने के बाद खुद ही खा जाती है। कई बार ऐसी फीमेल होती है जो बच्चे देने के बाद बहुत अग्रेसिव आती है। आप बेसिक बचपन से घर से पाल रहे हैं, बट वो बच्चे देने के बाद बहुत अग्रेसिव आती है और वो अटैक कर लेती है, बाइट कर लेती है। तो ऐसे किसी से क्या करोगे? आपके तो पैसे डूब गए ना। तो ऐसे नहीं है दोस्तों कि कहने वैसे बहुत से डिजीज है, बहुत सी बीमारी है। कई बार फॉल्स प्रेगनेंसी होता है, फीमेल ने पेट पूरा शो किया है, प्रेगनेंट वाले प्रेगनेंट से आया, एक बंदा था मतलब फीमेल का पूरा पेट पूरा फूला, जैसे कि वो प्रेगनेंट 7-8 पप्पी होगा, इतना बड़ा पेट था। बंदे ने बोला भैया ऐसा मुझे, वो बंदा था वो ये अपना कहाँ दोस्तों तेलंगाना से मेरे पास फ़ोन आया कि भैया ये आपका पंजाब में ये प्रेगनेंट फीमेल है, ये प्रेगनेंट फीमेल मेरे को मिल रही है, मैं इसको ऑर्डर मंगवा लूँ। मैंने बोला कितने मिल रही है? कह रहा 40,000। मैंने मेरे भाई लिसन टू मी, एक बच्चा 20,000 का भी जाएगा तो अगर 5-6 बच्चे वो 1,25,000 का, और 1,25,000 जिस बंदे को मिलने वाला है, जिस बंदे को प्रॉफिट आने वाला है एक महीने के अंदर, क्या वो आपको दे देगा? अगर दे रहा है तो देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम। कहते नहीं भैया पेट फूला है, वो ऐसा वैसा है। मैंने भाई फिर भी पेट फूला केस में क्या था, कई सर्कमस्टांस होता है, ये सब चीज़ बोला मैंने उनको कि कई बार बच्चे देने के बाद बच्चे मर जाते हैं, दूध में इन्फेक्शन आ जाता है, कई बार फीमेल अग्रेसिव आती है। तो उसने मेरा बात नहीं बात मान लिया, बट कुछ टाइम गलती ने वही मन में लालच आ गया, उसने ऑर्डर कर दिया, फीमेल पहुंची, कह रहा भैया फीमेल मैंने मंगा लिया, और फिर वही 62 डेज़ में पप्पी देती है, और 5-6 दिन ऊपर नीचे, 62 का 67 हो सकता है, 62 का 57 डेज़ भी हो सकता है, 5 दिन ऊपर नीचे होता है। तो उस केस में क्या हुआ, कह रहा भैया वो फीमेल पप्पी नहीं दे रही है और कुछ सिंबल नहीं शो कर रही है। मैंने बोला भाई इसका एक्सरे कराओ, तो एक्सरे कराया तो पेट फूला हुआ था पर अंदर एक भी पप्पी नहीं था। सो दैट वॉज द सिंबल ऑफ फॉल्स प्रेगनेंसी। तो फॉल्स प्रेगनेंसी में क्या होता दोस्तों कि फीमेल जो है पूरा मतलब एक प्रेग्नेंट फीमेल बीच की तरह रिएक्ट करती है, उसकी निप्पल्स बाहर आ जाते हैं, वो घर के कोने में जब ऐसे 62 दिन के आसपास होता है घर के कोने में जाती है, छुपने की ट्राई करती है, कपड़े इकट्ठा करती है, तो वो सारा का सारा फीलिंग वो लाती है प्रेग्नेंट वोमेन की तरह, बट वो एक फॉल्स प्रेगनेंसी होता है, वो प्रेगनेंट अंदर पपीज़ वगैरह नहीं होते। तो सेम वो फॉल्स प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम से सफ़र कर रही थी और उस बंदे ने उसको चेप दिया। तो बेवकूफ़ कौन बना? वो मद्रास साउथ वाला। क्यों बना? लालच के चक्कर में। उसको मना किया मैंने, मैंने भाई मत दो दूध देने वाला गाय कोई नहीं बेचता, बट मन में लालच आ गया और ले लिया। अब हुआ क्या, हो गया नुकसान। तो दोस्तों कई बार मैंने देखा है कि मैक्सिमम जो लोग फंसते हैं एडल्ट में चक्कर में, वो फंसते हैं लालच के चक्कर में। भाई अगर आपको टिप्स देने जाऊँगा, अगर आप फीमेल लेने जा रहे हो तो भाई उसका स्पर्म्स वगैरह चेक करा के लो भाई, वो काउंटिंग पास चेक चुक करा के उसका कि अपना कितना क्या हिसाब किताब है। फीमेल ले रहे हो तो उसके सारे टेस्ट वगैरह करा के, जितने भी टेस्ट फिजिबल होते हैं वो सारे टेस्ट अच्छे वेटनेरियन से मिलो, फिजिकली फीमेल के सारे टेस्ट वगैरह करवा लो, नेचर किताब करवा लो, और ट्राई करो दोस्तों कि अगर लेना भी है फीमेल बड़ा बड़ा तो 1 साल के नीचे नीचे लो, ताकि वो सेमी रिल्ट वगैरह सही रहता है, सेमी रिल्ट ले लो आप, उसके बाद ट्राई करो। अब प्रूवन के चक्कर में पड़ोगे तो फिर नुकसान आपका ही है, और ये नुकसान होता क्यों है, लालच के चक्कर में। तो इंसान हमेशा फंसता है लालच में, तो लालची ना बने और सस्ते के चक्कर में ना पड़े। हर ज़्यादातर टाइम दोस्तों सस्ता अच्छा नहीं होता और लालच बुरी बला है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें।